like it here. Mr. Letterman, it is. Vice Chancellor, University of Karachi, Dr. Khalid Mahmood Sahib, Sardar Yasin Malik Sahib, Mere MPA, Khalil Madri Sheikh Sahib, Dean's Faculty, Parents, Students, Teachers, Assalamu Alaikum. मुझे खुशी है कि आज मैं आपके दरमियान इस कन्वोकेशन में मौजूद हूं और मैं हमेशा जब भी जाता हूं किसी कन्वोकेशन में तो मुझे अंदाज़ा होता है कि गोल्ड मेडल हासिल करने में ख्वातीन का ज़्यादा किरदार होगा और लड़के कम होंगे, लेकिन आज तो सारा रिकॉर्ड ही टूट गया है। आज 100% मेडल जो है सब लड़कियां ले गई और लड़कों को कुछ नहीं मिला। तो मैं जो वाइस चांसलर साहब अनाउंस कर रहे थे कि तलबा को बुला रहे थे गोल्ड मेडल के लिए, तो मैं सामने देख रहा था कि तलबा में तो सिर्फ तालिबात हैं, तालिब तो कोई नहीं है इसमें। एंड दिस गोज ऑन, मैं जब भी किसी कन्वोकेशन में जाता हूं तो मुझे ये अब तो खैर तजुर्बा हो गया है, पहले बड़ी हैरत होती थी देख के कि सारी 70%, 80%, 90% लड़कियां ये मेडल्स ले जाती हैं या पोजीशंस ले जाती हैं, और ये सारी पोजीशंस ले जाने के बाद ये लड़कियां, ये खवातीन, ये मेरी बेटियां, ये कहीं खो जाती हैं माशरे में। ये अपने यहां से डिग्री हासिल करने के साथ ही जब अपने किसी शादी कर लेती हैं, घर चली जाती हैं, तो ऐसी जगह चली जाती हैं जहां से इनको अपनी प्रोफेशन लाइफ गुजारने का मौका नहीं मिलता। यानी वो एक घरेलू खातून बन जाती हैं जब प्रोफेशनल डिग्री लेने के बाद। और मैं इसे ये, यानी शादी करना अच्छी चीज है, आप शादी करें, घरेलू खातून भी बने, अल्लाह करे अब बच्चे भी आपके मोनहार हो, घर में सुख भी हो, सब कुछ हो, लेकिन ये क्या बात हुई कि आपने इतनी बड़ी डिग्री हासिल की, मेहनत की, जिद्दोजहद की, फर्स्ट पोजीशन हासिल की, किस लिए? अगर आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ को एक्सरसाइज ना कर सकें तो ये सिर्फ आपका नहीं, ये कौम का नुकसान है। हुकूमत पाकिस्तान HEC 2051 मिलियन ग्रांट देती है इस यूनिवर्सिटी को। आपके ऊपर हुकूमत पाकिस्तान का एतमाद और भरोसा और पैसा लगा है, ये हुकूमत, ये मुल्क आपकी तरफ देखता है, और ये जो बेहतरीन जहन है, जो ब्रिलियंट माइंड है, वो घर बैठ जाते हैं। तो लिहाजा मेरी सारे पेरेंट्स से दरख्वास्त है कि वो अपने बच्चों को, चाहे वो लड़के हों या लड़कियां हों, उनको प्रोफेशनल लाइफ गुजारने का भरपूर मौका फराहम करें। ये माँ बाप भी हमारे, ये माँ बाप भी अल्लाह ने एक अजीब मखलूक बनाई है। जब आप बच्चों से, मैं बात कर रहा हूँ कि जब आप माँ बाप बनेंगे तो आपको एहसास होगा इस चीज का। मेरा बेटा वासे यहाँ पर बैठा है, शायद वो आज इस बात का एहसास ना करे जो मैं अभी आपसे कह रहा हूं कि माँ बाप की एक ख्वाहिश होती है, और बड़ी अजीब ख्वाहिश होती है कि बस मेरा बच्चा कामयाब हो जाए। सारी जिंदगी अपनी ख्वाहिशों का गला दबा के, सारी जिंदगी अपनी जमा पूंजी को एक चीज पर लगा के कि बस मेरा बच्चा जो है या बच्ची जो है वो कामयाब हो जाए किसी तरह, और उससे रिटर्न कुछ नहीं चाहिए, बस माँ बाप की ख्वाहिश है कि कामयाब हो जाए। ये एक अजीब ख्वाहिश अल्लाह ने रखी है दिल में। हमारे बच्चों में ये ख्वाहिश होनी चाहिए कि जब आप कामयाब हो जाएं तो आप अपने माँ बाप की उन ख्वाहिशात को पूरा करें जिनको उन्होंने आपके लिए कुर्बान किया। ये हमारा माशरा, हमारा मजहब हमें सिखाता है कि अपने माँ बाप की खिदमत
फैमिली को इंटैक्ट रखना, ये वेस्टर्न माशरा नहीं सिखाता हमें, वेस्टर्न माशरा दूसरी चीज सिखाता है, 18 साल के हो जाओ माँ बाप को छोड़ के चले जाओ, फिर कभी मिलेंगे जिंदगी बाकी रही तो। ये हमारा माशरा नहीं सिखाता, हमारा माशरा एक साथ एक फैमिली सिस्टम को बताता है कि ये फैमिली सिस्टम जो है ये सोसाइटी में या सोशल लाइफ में या सिविल लाइफ में मॉरल हाई सोसाइटी से होता है, इससे होता है फैमिली से। ये आपको कोई दुनिया का माशरा नहीं सिखाता। तो हम अपने माशरे में अपने मजहब के हिसाब से अपने माँ बाप की खिदमत हम पर फर्ज कर दी गई, तो हमें ये करना है। माँ बाप के साथ साथ हमें इससे आगे बढ़ के अपने वतन की खिदमत करनी है। 40% बच्चे जो पाकिस्तान से ग्रेजुएट करते हैं वो पाकिस्तान छोड़ने की सोचते हैं कि बस मैं अमेरिका चला जाऊं, मेरा वीजा लग जाए तो लाइफ सेट हो जाएगी, मैं कोई इंग्लैंड चला जाए, कोई यूरोप चला जाए, कोई जहां मौका मिले बस पाकिस्तान से निकल जाऊं किसी तरह। ये डिस्ट्रस्ट है अपने मुल्क के ऊपर, यकीन नहीं है अपने मुल्क के ऊपर। और अगर हम थोड़ा सा, मैं आपका वक्त थोड़ा ज्यादा ले रहा हूं, माजरा चाहता हूं आपसे, लेकिन अगर हम थोड़ा सा मुड़ के देखें तो ये यहां पे स्टेज पे मेरे बराबर बैठे सरदार यासीन मलिक, इज फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड। अगर आपको कभी मौका मिले इनकी कहानी सुने आप, बड़ी मेहनत और जिद्दोजहद के साथ इसी यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की और आज पाकिस्तान के अमीर तरीन लोगों में से शुमार होता है। आपके दरमियान से निकले हैं, आपके दरमियान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान निकले हैं, डॉक्टर इसरार अहमद निकले हैं जो रिलीजियस स्कॉलर हैं हमारे बहुत बड़े, रईस अमरोही साहब यहां से निकले हैं, अताउर रहमान साहब यहां से निकले हैं, सलीम जमान साहब यहां से निकले हैं, सलीम जमान सिद्दीकी साहब, अबू बकर हलीम साहब, डॉक्टर इश्तियाक कुरैशी और न जाने कितने ऐसे लोग यहां से निकले हैं जिन्होंने बहुत बड़े बड़े टारगेट्स अचीव किए हैं। टारगेट्स आप जब अचीव करते हैं जब आप कोई बड़ा टारगेट अपने लिए सेट करते हैं, बड़ा ख्वाब आप देखते हैं तो बड़े ख्वाब की ताबीर के लिए आप कोशिश करते हैं। अगर ख्वाब ही छोटा हो, टारगेट ही छोटा हो तो फिर अचीवमेंट क्या होगी। ये बात जान लें कि अल्लाह ने आपको दुनिया में किसी मकसद के लिए भेजा है और वो मकसद आपने पाना है, ढूंढना है आपने कि वो मकसद क्या है। इसलिए दुनिया में नहीं भेजा अल्लाह ने कि आप आए कराची यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल करें, नौकरी करें, शादी करें, बच्चे पैदा करें, उनको पढ़ाएं और दुनिया से रुखसत हो जाए। देर हैज टू बी अ रीजन, देर इज अ बिगर रीजन फॉर लाइफ। कि इंसानियत की खिदमत के लिए अल्लाह ने आपको भेजा होगा, ढूंढे वो रीजन कि आप किस लिए यहां पर आए। इस यूनिवर्सिटी के बाहर बेइंतहा ऐसे बच्चे मौजूद होंगे जो आप और मुझसे ज्यादा स्मार्ट होंगे, बस उन्हें मौका नहीं मिला। आपको वो मौका मिला, आपने जब वो मौका आपको अल्लाह ने दिया तो आपके ऊपर फर्ज है कि आप ऐसे बच्चों को मौका दें जिनको ये मौका नहीं मिल सका। मैं अपने इन तमाम बच्चों से जो हमारी यूनिवर्सिटी से आज डिग्री हासिल करके निकल रहे हैं या आने वाले बैच से, इस पाकिस्तान को आपसे उम्मीदें वाबस्ता हैं। आने वाला वक्त पाकिस्तान आपके हाथ में होगा। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो पाकिस्तान के हुकूमत की बागडोर संभालेंगे, कुछ होंगे जो ब्यूरोक्रेसी की बागडोर संभालेंगे, कुछ न जाने किस तरह से होंगे, लेकिन हर तरह से अपने पाकिस्तान में कंट्रीब्यूट करेंगे। आप अपने वतन पे भरोसा रखें, अपने वतन पे एतमाद रखें। यहां पे बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरीज मौजूद हैं, बस हमें सिर्फ अपने वतन के भरोसे पे चलना है। इस हुकूमत पाकिस्तान ने, इमरान खान की हुकूमत ने आपके लिए बड़े मौके पैदा किए हैं, न सिर्फ आपके लिए स्कॉलरशिप्स हैं एहसास प्रोग्राम में, बल्कि कामयाब नौजवान रोजगार स्कीम के तहत। मैं आपसे ये इसलिए बता रहा हूं कि आप आज यहां से निकलेंगे तो निकलते साथ ही नौकरियों की तलाश में जाएंगे। जरूरी नहीं है कि हर एक को बहुत अच्छी नौकरी मिल भी जाए, अल्लाह करे ऐसा हो, लेकिन ये जरूरी नहीं है। तो आपके लिए
रोजगार के मौके यानी अपने अपने रोजगार के अपने बिजनेस के लिए 1 लाख से 50 लाख रुपए तक का लोन बहुत सॉफ्ट टर्म्स पे बगैर किसी चीज के मॉर्गेज के बगैर माँ बाप के ऊपर प्रेशर डाले आपके लिए हुकूमत पाकिस्तान ने दिया है। आप भरपूर इस्तेफादा कीजिए इन चीजों से। इस वक्त की हुकूमत इमरान खान की हुकूमत मैं समझता हूं कि एक नहायत ईमानदार दयानतदार और दलेर हुकूमत है। ये मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि हर वक्त हम देखते रहते हैं मीडिया के ऊपर डिफरेंट जराए ब्लॉग से सोशल मीडिया हो या कोई सा हो कि एक ही चीज को पुकार चलती है कि जी हुकूमत नाकाम हो गई इनसे काम नहीं चल रहा ये मुमकिन नहीं है इनसे मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। जरा सा देखें कि मुल्क में हो क्या रहा है। वर्ल्ड बैंक ने 2023 में जो 70% इकोनॉमी दुनिया की है ये मेरी बात गौर से सुनिएगा ये आपको बड़े काम आएगी अपना फ्यूचर प्लान करने में काम आएगी आपको बच्चों। दुनिया की 70% इकोनॉमी 2023 में 20 ममालिक चलाएंगे। 2023 इज अराउंड द कॉर्नर 20 ममालिक उन 20 ममालिक में पहली बार पाकिस्तान शामिल हुआ है। सो देयर इज लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी वेटिंग फॉर यू आउटसाइड यू जस्ट हैव टू लाइक द बॉक्स डोंट कन्फाइन योर सेल्फ इन अ बॉक्स डोंट कन्फाइन योर सेल्फ कि जी मुझे यहां से नौकरी नहीं मिली तो मैं नाकाम हो गया। बेनतहा मौके आपके लिए यहां मौजूद है। आप प्लीज गो फॉर ऑल योर ऑप्शंस चेक ऑल योर ऑप्शंस डू योर बेस्ट थिंक बिग। अगेन मैं आपसे कह रहा हूं ड्रीम बिग। जब आप बड़ा ख्वाब देखते हैं तो लोग अच्छे नाम से नहीं पुकारते घबरा नहीं उससे। आप जब कोई आदमी बड़ी बात करता है मैं अगेन सरदार यासीन मलिक की आपको मिसाल दे रहा हूं कि अगर जिस वक्त ये स्ट्रगल कर रहे थे और ये उस वक्त कहते अपने दोस्तों से कि मैं पाकिस्तान का अमीर तरीन आदमी बन के पाकिस्तान की खिदमत करना चाहता हूं तो क्या कहते दोस्त बी प्रैक्टिकल यार ये नहीं हो सकता तुम कहीं नौकरी कर लो फार्मेसी में लग जाओ किसी डॉक्टर के पास चले जाओ। बट यू हैव टू थिंक बिग। जब आप बड़ा ख्वाब देखेंगे तो बड़ी अचीवमेंट आपकी होगी। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।